तो हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। तो हाँ, कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि बहुत ही लेंथी चैप्टर होने वाला है ये, विद 6 मार्क्स के आंसर्स के साथ। ठीक है, तो मतलब थोड़ा लेंथी है तो स्पीड में करके आप देख लेना अगर आप बाद में देख रहे हैं तो। ये रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास नेल्सन मंडेला की, तो उसे पढ़ाना तो जरूरी है। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना देर किए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, इतना तो बोल ही सकती हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इतने में ज्यादा देर नहीं ली मैंने। चलो स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर चैप्टर का स्केच क्या है, चैप्टर क्या है, चैप्टर किससे रिलेटेड है, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस चैप्टर हैज बीन, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि एक एक घंटे की क्लास लेना मेरी आदत नहीं है। ठीक है, दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेला बुक ऑफ सेम नेम, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो चैप्टर का नाम है वही बुक का भी नाम है, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्प्स, एक ये नजर देता है हमें, किसके, झलक देता है, ग्लिम्प्स यानी झलक देता। ठीक है, ग्लिम्प्स किसकी देता है, अर्ली लाइफ, अर्ली लाइफ ने शुरुआती लाइफ जो थी नेल्सन मंडेला की, उसके बारे में, उसकी एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के बारे में, नेल्सन मंडेला एंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने जो 30 ईयर प्रिजन में बताए उनके बारे में, उनके पेन के बारे में जो उन्होंने सफर किया यंग एज में। ठीक है, दिस चैप्टर रिकाउंट्स हिज फ्लाइट फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए जो फाइट की वो गिनाती है एक तरीके से हमें, और उनके जो पीपल, लोग जो हैं वो वाइट के द्वारा जो टॉर्चर किए गए हैं उनकी ये कहानी चैप्टर बताता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में मंडेला जो है वो दो कंट्राडिक्टरी पिक्चर दे रहा है। कंट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी, हम बोलते हैं ना कि दो फोटो देंगे और वो दोनों फोटो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऑफ हिज ओन कंट्री, मतलब खुद की कंट्री के बारे में दो पिक्चर बताएंगे वो, यानी कि दो साइड बताएंगे, इन विच द ब्लैक वर टॉर्चर, जिसमें ब्लैक जो थे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, सफर किया जा रहा है क्वाइटली यानी शांति से, एंड सेकेंड ब्लैक विल फ्री फिल बी फ्री सॉरी ब्लैक फिर ही फ्री हो जाएंगे, लिव द लाइफ ऑफ देयर ओन, खुद की लाइफ जीने के लिए बाद में ब्लैक फ्री भी हो गए। तो दोनों पिक्चर वो दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो अबाउट द कैरेक्टर, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। नेल्सन मंडेला है ऑब्वियसली, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे किसके, साउथ अफ्रीका के, हु फॉट फॉर इक्वल राइट्स ऑफ ब्लैक, ब्लैक के इक्वल राइट के लिए लड़े, और ही सफर्ड, उन्होंने सफर किया बहुत सारा पेन किसके लिए, फ्रीडम के लिए। ठीक है, जनानी जो उनकी डॉटर थी नेल्सन मंडेला की, उन्होंने साथ दिया था मंडेला का इनॉग्रेशन के डे पे, ये कहानी ही इनॉग्रेशन डे की है। ठीक है, इनॉग्रेशन यानी जैसे हम बोलते हैं ना लोकावर्पण, अरे यार मैं अटक गया, वो मैंने लोकार्पण वो करते हैं ना, जैसे कि किसी की मूर्ति या किसी की फोटो क्या करते हैं वो, मतलब इनोग्रेट करते हैं उसका, क्या करते हैं अपन, शुरुआत करते हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं इसे, इनोग्रेशन ही तो बोलेंगे। तो उनकी जो डॉटर है वो उनके काफी करीब है, ठीक है, क्लोज है, तो वो इनोग्रेशन के दिन पे उनके साथ थी, अकम्पनीड यानी साथ में। ठीक है, बाद में है थाबो मबेकी, ये जो थे एमबेकी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, जो बहुत ही क्लोज थे किसके, मंडेला के, मंडेला जी के। फिर मिस्टर डेक्लर्क, ये थे सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कैरेक्टर है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का। ओवरव्यू क्या है कि इसमें इनॉग्रेशन हो रहा है, इट वॉज 10th मई द डे ऑफ ओथ, ओथ यानी शपथ लेने का दिन है, विद द ब्राइट एंड शाइनी सन के साथ में। नेल्सन मंडेला वो सपोज टू टेक ओथ, वो सब मतलब ओथ लेने वाले थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में। अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर, बहुत सारे लीडर जो थे ऑल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया से इकट्ठे हुए थे वहां पे विटनेस करने के लिए, यानी देखने के लिए, स्वेयरिंग सेरेमनी यानी कि ओथ जो थी वो देखने के लिए नेल्सन मंडेला की, एज हिज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, भाई दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन बिग ओपन बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग में हुआ, जहाँ जो कहाँ थी, प्रिटोरिया में थी। ठीक है, ये जगह का नाम है। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई थी, यानी कि फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी जो नॉन रेशियल थी, यानी कि जो रेस से रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, किसी एक रेस से रिलेटेड नहीं थी, सॉरी। फिर है द स्वेयरिंग सेरेमनी जो थी, ओथ सेरेमनी जो थी वो नेल्सन मंडेला की कैसी हुई वो देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला वाज अकंपनीड बाय मतलब उनकी डॉटर जो थी देनानी वो साथ में थी उनके, और मिस्टर डेलक वाज फर्स्ट पर्सन हु टुक ओथ, जिन्होंने ओथ ली सेकेंड, सॉरी यहाँ पे सेकंड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इसको सही कर लेना। ठीक है, डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, और जो थाबो मैं एम बैकी थे उन्होंने श्योर ली थी, शपथ ली थी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में। नेल्सन मंडेला जो थे वो लास्ट पर्सन थे जिन्होंने
उस फंक्शन में शपथ ली प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में, ठीक है, ही प्लेज, उन्होंने शपथ ली। तो ओबे, ओबे यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कहना मानना और अपहोल्ड रखना, ऊंचाई तक रखना, मतलब कि पकड़े रखना कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ ही चलना, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलना, और डिवोट करना खुद को वेल बींग ऑफ पीपल, लोगों के भलाई के लिए खुद को डिवोट कर दिया था। ही ऑल्सो प्रोमिस, उन्होंने प्रॉमिस किया कि नेशन को फ्री ऑफ पॉवर्टी बनाएंगे, डेप्रिएशन, सफरिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और पॉवर्टी यानी गरीबी, डेप्रिएशन यानी कमी जो भी आ रही है, सफरिंग जिस भी चीज से सफर कर रहे हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सब तरीके के भेदभाव से नेशन को क्या बनाएंगे, फ्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री पावर साउथ साउथ अफ्रीकन जेट, उसी जो वहां पे ओथ हो रही थी तो वहीं पे डिस्प्लेमेंट हुआ किसका, मिलिट्री पावर ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स का। व्हेन मंडेला हैड टेकन ओथ, जब उन्होंने शपथ ली तो जेट जो थे डिस्प्ले करी उन्होंने मिलिट्री की पावर, इट ऑल हमारे 26 जनवरी में होता है ना, मिलिट्री की पावर दिखाई जाती है उसी तरीके से, इट ऑल्सो शोड द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रति मिलिट्री अपनी लॉयल्टी दिखा रहा था। हाइएस्ट मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने सल्यूट किया उनको, और ही रिकाउंटेड दैट दे वुड हैव अरेस्टेड हिम मैनी ईयर बिफोर, उन्होंने वापस रिकाउंट किया, इन बोला कि हमने बहुत साल पहले इनको अरेस्ट किया था बहुत पहले, तो उसका उन्होंने रिकाउंट यानी अफसोस जाहिर किया। आगे है इट वॉज फॉलोइंग बाय प्लेइंग टू नेशनल एंथम, वहां पे दो नेशनल एंथम चले थे, वाइट सैंग एनकोशी सिकेलेल, एंड ओल्ड सॉन्ग ब्लैक का था दी स्टैम, ये दोनों बजे, एंड द न्यू सॉन्ग विच मार्क द एंड ऑफ द सेरेमनी, बाद में न्यू सॉन्ग ये जो ब्लैक वाला मतलब बजा और सेरेमनी एंड हुई, ठीक है। अब ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, आपने देखा होगा अपरथेड, यानी रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, तो अपरथेड जो था साउथ अफ्रीका का वो कैसा था वो बताया है यहाँ पे। नेल्सन मंडेला रिमेम्बर डे, नेल्सन मंडेला रिमेम्बर करते हैं, वो दिन याद करते हैं जिसमें विच सून द पार्टी ऑफ हिस्ट्री वेयर व्हाइट हैड फॉर्म्ड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द ब्लैक, वो भी दिन थे जब व्हाइट पार्टी ने रेशियल डोमिनेंस बना रखा था, मतलब अपनी ही व्हाइट कलर के लोगों का ही एक डोमिनेंस राज कर रखा था, इट वॉज बेसिस ऑफ हार्श सोसाइटी। उस समय ये सोसाइटी कैसी थी, हार्श थी, यानी कि बहुत ही बोल सकते हैं बुरी थी या फिर बहुत ही कठिन सोसाइटी थी, विच इज नाउ ओवरटर्न, अब वो चेंज हो चुकी है। वो क्या कहते हैं, दैट द पॉलिसी ऑफ अपरथेड क्रिएट अ डीप लास्टिंग वाउंड ऑन हिज कंट्री एंड इट्स पीपल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है कि जब उन्होंने ये बोला ही, थॉट दैट पॉलिसी ऑफ अपरथेड क्रिएट डीप, गहरा और लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग वाउंड, वाउंड यानी घाव बना दिया है उनकी कंट्री के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर, तो इससे वो क्या कहना चाहते हैं ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में। तो नाउ इट इज द सिस्टम, अब वो सिस्टम है जिसमें रिकॉग्नाइज करेंगे राइट्स, अधिकार और लोगों की फ्रीडम का, वो पहचाना जाएगा इस सिस्टम में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, थोड़ा रेलगाड़ी तेज चल रही है, रेलगाड़ी नहीं, हमारा एरोप्लेन थोड़ा तेज उड़ रहा है क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको और भी टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। अरे यार हाईलाइटर ही घूम जाता है इस समय मेरा, ये रहा, रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर, मंडेला को भी किसी चीज का रिग्रेट है और वो याद करते हैं फ्रीडम फाइटर को, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। ऑन द ऑस्पिशियस डे, इतने अच्छे पर्व पर, ऑस्पिशियस डे पर मंडेला रिग्रेट करते हैं लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे काले लोग, सॉरी काले, ब्लैक पीपल जो है उनकी डेथ जो हुई थी, उनको रिमेम्बर करते हैं, उनके सेक्रीफाइस, बलिदान को, जो फ्रीडम के लिए उन्होंने बलिदान किया था डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम पाने के लिए, तो उनको याद करते हैं वो, नेल्सन मंडेला, रिग्रेट है उनको कि इतने सारे लोग मारे गए। ही थॉट हिम ऑफ हिमसेल्फ एज सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रियोट्स, वो अपने आप को मानते हैं कि मैं, मतलब वो भी एक तरीके से सफर कर रहे हैं उतना ही जितना और सारे के सारे अफ्रीकन पेट्रियोट्स, देशभक्त जो हैं, पेट्रियोट यानी देशभक्त जो हैं, वो जो हैं इस चीज को सफर कर रहे हैं, हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ बिफोर हिम, उससे उनसे पहले, मतलब वो भी लड़े मंडेला, लेकिन उनसे पहले भी तो लड़ाई जारी थी, तब बहुत सारे लोगों ने उनसे पहले सेक्रीफाइस दिया, ही वॉज पेन दैट ही कुड नॉट थैंक देम, उनको मिलके वो थैंक नहीं कर सके, इस बारे में वो अपना क्या बताते हैं, पेन, दुख जाहिर करते हैं, ठीक है। ही रिकॉल, वो याद करते हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर जैसे कि ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलो, ठीक है, उसके बाद चीफ लुथुलो और यूसुफ डेबू एटसेट्रा, और भी बहुत सारे थे जिनको वो क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। हु वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज, अनकॉमन करेज का मतलब बहुत ही असाधारण हिम्मत थी उनमें, कि जैसे आप बोलते हैं ना बाहुबली में क्या हिम्मत थी, उसी तरीके से, वैसे तो वो फिक्शन हो गया, ये तो रियल था, विजडम एंड जेनरोसिटी, उनकी जो अनकॉमन, ये जो अनकॉमन मतलब नॉर्मल वीरता नहीं थी उनकी, बहुत ही
खतरनाक, या हम बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही सच्ची जेनरोसिटी थी उनकी, उसके बारे में वो याद करते हैं। ही सेड, वो कहते हैं कि कंट्री जो है रिच है मिनरल्स में, बट ग्रेटेस्ट वेल्थ जो होती है वो लोगों की होती है। देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके, ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे लिख देंगे एक्सप्लेन, ठीक है? अगर आप यहाँ तक वीडियो पे पहुंच गए हैं तो मतलब आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा है। तो वो कहते हैं कि कंट्री जो है वो, मिनरल तो बहुत सारे हैं कंट्री में, लेकिन लोग जो है ना वो असली वेल्थ है। वेल्थ है नहीं, पैसा है, इसको एक्सप्लेन करो। तो आपने, आपको मालूम ही है कि जो रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए, ठीक है? और उनके राइट भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है गुडनेस एंड, मैंने बोला था बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है, ठीक है? मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा अच्छी तरह समझाऊं। गुडनेस एंड ड्यूटीज ऑफ मैन, गुडनेस और ड्यूटी क्या होती है मैन की, वो बताता है द ऑथर। बताते हैं दैट बीइंग व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक होना ये टोकन नहीं है, टोकन यानी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी, ये क्वालिटी नहीं है आपके गुडनेस की या सुपियोरिटी की, यानी महानता की। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर, एक दूसरे को नफरत करते हुए तो हम पैदा नहीं हुए थे ना। पीपल शुड लव वन अनदर, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, विच कम्स विदाउट फोर्स एंड इट इज नेचुरल, क्योंकि नेचुरल होना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से प्यार से ही रहना चाहिए। इट इज मैंस एसेंशियल गुडनेस, ये मैन की जो एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट गुडनेस होती है, जरूरी गुडनेस होती है, ठीक है? अ मैन हैज टू परफॉर्म ड्यूटी, मन मैन को क्या करना पड़ता है, ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है अपनी फैमिली के प्रति, कम्युनिटी मतलब हमारी सोसाइटी के प्रति, कंट्री के प्रति, विच ही डिड नॉट सी इन हिज कंट्री, अपनी कंट्री में वो नहीं देख पा रहे थे बिफोर ही पिस्ट हिमसेल्फ फाइट फॉर द ब्लैक, जब वो ब्लैक के लिए लड़ना शुरू हुए थे तब ये क्वालिटीज उनको किसी में नहीं दिख रही थी। अ ब्लैक मैन वॉज पनिश्ड इफ ही ट्राइज टू लिव लाइक अ ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लिव अपार्ट हिज ओन पीपल, अगर कोई ब्लैक पीपल पनिश किया जाता था, अगर वो लिव लाइक अ ह्यूमन बींग, अगर इंसान की तरह वो रह रहा है और उनको, उसको फोर्स किया जाता था कि अपने मतलब खुद के जैसे लोगों की तरह रहना चाहेगा ना, वो तो नहीं रहने दिया जाता था, ठीक है? सो ही वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी टू फैमिली, फैमिली की ड्यूटी भी वो अच्छी तरीके से इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो फ्रीडम उनको प्राप्त नहीं थी। अब जो ये बार बार फ्रीडम फ्रीडम आ रहा है ना, तो फ्रीडम जो है मंडेला के हिसाब से फ्रीडम क्या होती है वो एक्सप्लेन करते हैं। एज अ किड, बच्चे के रूप में मंडेला जो थे, वो डिफरेंट मीनिंग था उनका बींग फ्री, फ्री होने का। ही वॉन्टेड टू रन इन द फील्ड, खेतों में वो दौड़ना चाहते थे। वॉन्टेड टू स्टे आउट एट नाइट, घर से बाहर दूर मतलब घर से बाहर रहना चाहते थे अपने दोस्तों के साथ। ऑब्वियसली एक टीनेजर का यही होता है ख्याल। एज ही ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े हुए, ही वॉन्टेड द फ्रीडम, फिर उन्होंने ये समझा कि फ्रीडम जो है ना वो लाइवलीहुड यानी जी आजीविका के लिए, फैमिली के लिए हमें क्या चाहिए होगी, फ्रीडम चाहिए होगी, ठीक है? फिर है बट सून ही रियलाइज, बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि सच फ्रीडम, ऐसी जो फ्रीडम है जो फैमिली वैमिली के लिए, ये सिर्फ इल्यूजन है। असली में फ्रीडम किसकी होनी चाहिए, हमारे देश की होनी चाहिए। ही रियलाइज दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर जो है वो लुक लाइक हिम, सेम उसी के जैसे रहते हैं उसके कंट्री में, दिखते भी सेम है, वो फ्री नहीं है। सो ही ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए उन्होंने ANC ज्वाइन करी। तो अगर कोई आपसे पूछे उन्होंने ANC ज्वाइन क्यों करी, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है? हिज हंगर, उनका जो हंगर था मतलब उनकी भूख थी जो फ्रीडम के लिए, बिकम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की फ्रीडम के लिए ही वो फ्रीडम, उनकी भूख जो थे वो बढ़ गई। ही डिजायर्ड दैट एवरीवन शुड गिवन राइट टू लिव, हर किसी को लाइफ मतलब राइट होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए जीने का, विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ में, ठीक है? और ही ऑलवेज ही वॉन्टेड ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड टू बी लिबरेटेड। अब ये एक क्वेश्चन बनता है आपका कि वो चाहते थे ऑपरेसर यानी जो दबाव देता है और जो दबता है मतलब जो कमजोर है, उन दोनों को ही लिबरेट होना पड़ेगा, मतलब आजादी मिलनी चाहिए उनको। एज नो वन इज फ्री, जबकि कोई भी फ्री नहीं है तो कोई भी दूसरे की फ्रीडम ले लेता है। ओनली सच कैन सच फीलिंग कैन ब्रिंग ट्रू फ्रीडम टू ईच अदर, मतलब ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, यानी दबाव बनाने वाला और दबाव सहने वाला दोनों ही फ्रीडम होनी चाहिए। ये मायने हैं मंडेला की। अगर पूछे मंडेला क्या चाहते हैं, ऑपरेसर और ऑपरेस्ट को, दोनों को फ्री देखना चाहते हैं। अब ये चैप्टर्स की हाईलाइट है जो मैंने अभी आपको बताई, ये वही है। देखो यहाँ पे ये चैप्टर, ये सॉन्ग वॉन्ग मैंने सारा बताया, सब वही है, बस पॉइंट में है। कुछ बच्चों को पॉइंट में याद होता है, इसलिए मैंने चैप्टर की हाईलाइट पॉइंट में बनाई है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आंसर आप कैसे करेंगे 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो। चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं, सांस लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट डज मंडेला मीन टू से दैट ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ट अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी?
बिल्कुल, ये क्वेश्चन आ गया ना ऑपरेटर ऑपरेस्ट का, मैंने बोला था आंसर देखो इसका कि मंडेला इज राइट, वो मंडेला बिल्कुल सही है ऐसा कहना कि ऑपरेटर और ऑपरेस्ट जो है अलाइक रॉब्ड, एक तरीके से दोनों ही रॉब किए गए हैं किसके द्वारा, मतलब क्या रॉब हो गया है उनका, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत उनकी छिन गई है। देखो जो ऑप्रेस्ड है ना, जो दबाव महसूस करता है उसकी तो ह्यूमैनिटी, उसे तो ह्यूमन ही नहीं मानते ना लोग, और जो ऑप्रेसर है वो तो ह्यूमन हुआ ही नहीं, उसकी तो ह्यूमैनिटी चली गई ना एक तरीके से। तो इस तरीके से दोनों ही, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली इन एक्चुअली द विक्टम ऑफ हेट्रेड, असलियत में दोनों ही विक्टम किसके हैं, हेट्रेड के हैं, मतलब कि ऑपरेसर जो ऑपरेस से नफरत करता है और ऑपरेस जो है वो ऑपरेसर से नफरत करता है कि नहीं। एवरीवन इज ऑब्लाइज, सभी को अधिकार है टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी, ड्यूटी करने का, वेदर पर्सनल हो या सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड हो, सोशल से रिलेटेड हो, बट फ्रीडम फ्रीडम अ मैन कैन नॉट डू सो, अगर फ्रीडम नहीं होगी, विदाउट फ्रीडम मैन ऐसा कर ही नहीं सकता। द पर्सन हु स्नैच हिज फ्रीडम, जो भी कोई इंसान स्नैच, स्नैच यानी खींच लेना या फिर खींच के भाग जाना, ऐसा कोई करता है तो वो मैन रियली ऑपरेसर, वो क्या है, एक ऑपरेसर है एंड प्रिजनर है किसका, नफरत का। पूछ सकते हैं क्वेश्चन की जो प्रिजनर ऑफ हेट्रेड कौन होता है, ऑपरेसर जो होता है ना वो हेट्रेड का कैदी होता है, यानी नफरत से बंधा हुआ एक कैदी होता है ऑपरेसर, दबाव करने वाला, वो भी तो एक नफरत से जकड़ा हुआ है ना जो दबा रहा है दूसरों को, ही हैज लैक ह्यूमिनिटी, उसमें इंसानियत नहीं होती है, कम होती है, बट दिस इज द सेम पर्सन हु इज ऑप्रेस्ड बाय अदर सेम, वो भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो भी कभी कभी ऑप्रेस्ड यानी दबाव महसूस किया गया होगा या उससे दबाया गया होगा। ठीक है, ये तो है ऑपरेसर और ऑप्रेस्ड वाला। अब देखो 6 मार्क्स का ये आंसर, ये क्या है, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की वैल्यू बताओ फॉर ह्यूमन बींग के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमनिज्म, ये कितनी जरूरी है सिविलाइजेशन और ह्यूमनिज्म के लिए, एज डिस्क्राइब, जैसा कि चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। तो आंसर स्टार्ट कर देते हैं, एवरी बडी वेदर ह्यूमन, हर कोई चाहे वो, वेदर यानी चाहे, चाहे वो क्या हो, ह्यूमन हो या अदर क्रिएचर हो, वॉन्ट्स टू लिव फ्री, फ्री रहना चाहता है वो, फ्रीडम इज नेचुरल ऑफ ऑल लिविंग बींग, जो भी लिविंग बींग है उसको फ्रीडम तो चाहिए होती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम जो होती है वो बेटर नोन टू दैट ह्यूमन बींग हु हैज नॉट टेस्टेड इट टिल ही गेट इट, मतलब रियल में तो पता है वैल्यू ऑफ फ्रीडम कौन जानता है, जिसको अभी तक टेस्ट ही नहीं आया है किसका, फ्रीडम का, जो जिसने टेस्ट नहीं किया है वो बेटर, अच्छे कंडीशन, अच्छी तरीके से जानता है कि फ्रीडम क्या होती है। अ पर्सन हु इज चेन्ड, पर्सन जो बंधा हुआ है लिमिट्स में अपनी, आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म ड्यूटी, उसको पूरी नहीं करने दी जा रही है, उसकी वैल्यू नहीं दी जा रही है मोर देन एनीवन एल्स, फॉर इंस्टेंट, जैसे कि वैल्यू जो होती है फ्रीडम की वो नोन बेटर टू मंडेला, मंडेला वो जानता है, मंडेला वो जानते हैं, सॉरी रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए मैं जानता है नहीं बोल सकती, वो जानते हैं कि फ्रीडम का वैल्यू क्या है, क्योंकि वो क्या कहाँ रहे हैं, बिहाइंड द बार्स रहे हैं यानी जेल के पीछे रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरी लाइफ भर एक तरीके से वो जेल के पीछे रहे हैं, थिंक अबाउट बर्ड्स के बारे में वो सोचते, एनिमल के बारे में सोचते, जो केज में वो भी तो बंद रहते हैं ना, दे हैव हैबिट ऑफ लिविंग, अब उनकी हैबिट हो चुकी है एनिमल्स की, फुल ऑफ मतलब विद फुल फ्रीडम, बट इन केज, जब वो केज में आते हैं तो दे डू नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होते, और उनकी कंडीशन जो होती है पिटिएबल होती है, पिटिएबल यानी कि दया आने वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से लाइफ जो है वो हेल हो जाती है इफ वी डिप्राइव, अगर हम कम कर दें फ्रीडम को, यानी लूज कर दें एक तरीके से, या किसी से छीन लें, देर इज नो ग्रोथ, सिविलाइजेशन का कोई ग्रोथ ही नहीं होगा, इट ग्रोज ओनली वेन, जब फ्रीडम होती है तभी हमारी सिविलाइजेशन भी ग्रो होती है, सभ्यता भी ग्रो होती है। सिमिलरली ह्यूमनिज्म जो होता है वो ग्रो होता है एटमोस्फेयर में जब फ्रीडम प्राप्त हो। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो थोड़ा रैपिंग टाइप में मैं चल गई हूँ, वीडियो को या तो स्लो कर लेना अगर दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं ऐसी स्पीड में चलूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है काफी टॉपिक टॉपिक क्लियर करना है। डिस्कस हाउ मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी किसके रिलेटेड, फ्रीडम के रिलेटेड, वो कैसे चेंज हुई ये बता दो। ठीक है, एट अर्ली एज, शुरुआत में मंडेला ने सोचा कि ही वॉज बॉर्न फ्री, वो पैदा ही फ्री हुए थे, ही बिलीव्ड, वो मानते थे कि ही वॉज लॉ फ्री एज लॉन्ग एज ही ओबेड फादर, जब तक वो पापा का कहना मानेंगे और रीति रिवाजों से, ट्राइब के कस्टम से जुड़े रहेंगे, अबाइड यानी कि जुड़े रहेंगे, तब तक वो फ्री हैं, बट
ही स्लोली अंडरस्टैंड, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे समझते हैं इट इज नॉट जस्ट हिम, सिर्फ वो ही नहीं है जो फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट फ्रीडम जो है सारे ब्लैक्स की, वो सारे ब्लैक्स की फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कॉम्प्रोमाइज यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नेग्लेक्ट हो रही है। आफ्टर रियलाइजिंग, ये रियलाइज करने के बाद ही लेट द पाथ ऑफ द हंगर ऑफ फ्रीडम, बाद में ये एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि आजादी की भूख की तरफ बढ़ चले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इतनी तक रहने के लिए, अगर आप मेरे मेरे वीडियो में एंडिंग तक हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको टेलीग्राम नहीं यूज करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कुर्सी की पेटी खोल लेना क्योंकि प्लेन लैंड हो चुका है। वेलकम।